This channel is for education purpose and we do not recommend you to buy or sell any stocks. Before investing in our predictions, please take advice from your financial advisor. We are not responsible for any of your profit and losses. So once again, welcome back to our channel Feenvest. So 19 November 2020 के लिए जो मैंने आपको calls दी थी, उनमें से पहला था हमारी आरती इंडस्ट्रीज और दूसरा था हमारा सीमेंस. आरती इंडस्ट्रीज में हमारा शॉर्ट सेलिंग साइड के तीनों टारगेट प्राइस इजीली अचीव हो गए थे और सीमेंस में हमारा शॉर्ट सेलिंग साइड के खाली दो टारगेट प्राइस अचीव हो पाए थे. अब अगर नेक्स्ट ले चलूँ मैं तो हमारा था M&M और इन्फी. अगर आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन है तो आपको पता होगा मैंने टेलीग्राम चैनल पे मॉर्निंग में आज M&M एंड इन्फी दी थी के स्टॉक दिए थे, जिसमें से इन्फी में तो हमारी ट्रेड नहीं हो पाई. M&M में हमारा बाई साइड का पहले SL हिट हुआ, फिर दोबारा से उसने अपने लेवल ब्रेक करने के बाद टारगेट अपने तीनों टारगेट प्राइस इजीली अचीव किए. शॉर्ट सेलिंग साइड का एक ही टारगेट प्राइस अचीव हो पाया. तो चलिए मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ. सबसे पहले तो बात कर लेते हैं M&M की. तो महिंद्रा इन महिंद्रा इसका नाम है इस स्टॉक का. अगर आप M&M से ना जानते हो तो आपको ये चीज़ दिख रही होगी. सबसे पहले तो ये गैप डाउन ओपन होने के बाद इसने अपना गैप रिफिल करके यहाँ पे हमारा जो बाइंग का लेवल था वो इसने ब्रेक किया था. लगभग इस लाइन पे आपको दिख रही होगी. यहाँ लाइन पे ब्रेक करने के बाद ये दोबारा नीचे गया. इसने हमारा SL हिट यहाँ पे लगभग इस लाइन पे इसने हमारा SL हिट किया. SL हिट होने के बाद देखिए, मैं हमेशा अपनी न्यू वीडियो में बोलता हूँ कि अगर पहली बार में आपका टारगेट अचीव होता है तो ठीक है, वरना अगर दूसरी पहली बार में आपका SL हिट हो जाता है तो दूसरी बार आप वो कॉल लेंगे. अब देखिए यहाँ पे फ़ायदा क्या रहा कि पहली बार में SL हिट हुआ तो आपको लॉस हुआ होगा. उसके बाद दोबारा देखिए जब आपने इसे बाय किया होगा यहाँ पे, उसके बाद देखिए इसने आपको तीनों टारगेट प्राइस यहाँ तक इसने अपने आपको तीनों टारगेट प्राइस इजीली अचीव करके दे दिए थे. इसने अपना हाई बनाया था लगभग 728 का. तो देखिए M&M में मैंने इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ आपको कि अगर पहली बार में आप कैसे लिट हो दूसरी बार आप वो कॉल पिक करेंगे, क्योंकि यही होता है कि देखिए कभी कभार क्या स्टॉक कुछ बिहेव कर जाए बट उसका जो एंड पॉइंट है वो यहीं पर होता है. तो ऐसे लेट होने के बाद अगर दोबारा आपको कॉल मिलती है आप ट्रेड बुक कर सकते हैं, बट पहले अगर एक बार टारगेट अचीव हो चुका है उसके बाद आप वो कॉल पिक नहीं करेंगे. वहीं यहाँ शॉर्ट सेलिंग का तो इजी लेवल था. शॉर्ट सेलिंग का इसने अपना लो ही एग्जैक्ट जितना मैंने आपको दिया था उतना ही बनाया था. वो था हमारा 697 का मैंने लो बोला था और ये 696.565 यानी कि 697 ही मान के चलिए, 697 पे इसने अपना लो बनाया. तो पहला टारगेट प्राइस इजीली अचीव हो गया था. तो पहले अगर आप स्टॉक में देख चुके हैं कि पहले ये बढ़ चुका है इतना कि उसके बाद ये एट दी एंड नीचे आ रहा है, तो पहले टारगेट प्राइस पे ही बाहर आ जाएं. अगर नहीं हो पा रहा है आपसे नहीं बाहर आ पाए तो कोई बात नहीं, आप पहले टारगेट प्राइस से जब ये ऊपर बढ़ने लगे तो आप ट्रेड से बाहर आ जाएं. यानी कि कहने का मतलब ये है कि ज़्यादा वेट ना करें क्योंकि ये पहले इतना बढ़ चुका है स्टॉक. अब इस पर कुछ जान नहीं थी, इसने हल्का सा मूवमेंट क्या दिखाया, आप ऐसा मत सोचेगा कि ये बहुत नीचे तक जाएगा. कभी कभार होल्ड करने में फ़ायदा है, हर रोज़ होल्ड करना बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो जाता है. तो हर दिन आप होल्ड नहीं करेंगे, कभी कभार आपको खुद मौका मिलेगा जब आप होल्ड करेंगे तो आपको अच्छा प्रॉफिट होगा. अगर आप इन्फी की बात करें, हमने आपको जो इन्फी स्टॉक दिया था तो इसने देखिए अपना गैप रिफिल नहीं, देखिए ये एक चीज़ कल मैंने आपको समझा, मैं प्रीवियस वीडियो में काफ़ी बार मैं समझा चुका हूँ, एक न्यू व्यूअर्स को भी समझा दूँ. जो आपका गैप रिफिल होगा तो उसमें जो बाइंग प्राइस है और जो शॉर्ट सेलिंग प्राइस है, जो हमारी शॉर्ट सेलिंग प्राइस थी वो थी यहाँ पे, वो थी 1107 की और बाइंग प्राइस तो काफ़ी ऊपर थी 1116 की. तो वो यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे लास्ट 11 मान लीजिए यहाँ पे हमारी बैंक प्राइस है. तो ये देखिए गैप डाउन ओपन होने के बाद ये ऊपर तो गया बट इसने यहाँ पे होल्ड नहीं लिया. बिना होल्ड लिए इसको आप शॉर्ट सेल नहीं कर सकते जब तक ये यहाँ पे होल्ड नहीं लेता एक मिनट का. ये एक मिनट का चार्ट मैंने आपके लिए खोला है. और अब कल के स्टॉक के लिए भी ये जान लीजिए, अगर जो न्यू ईयर्स है कि अगर स्टॉक गैप अप या फिर गैप डाउन ओपन है तो उसका बाइंग और शॉर्ट सेलिंग प्राइस के बीच में एक मिनट का होल्ड लेना बहुत ज़रूरी है गैप रिफिल करते हुए. जैसे मान लीजिए ये आज गया था तो ये मैंने क्लियर पिक्चर कर दिया, देखेंगे आपने यहाँ पे इसने होल्ड नहीं लिया, खाली एक लाइन बनाई और उसके बाद नीचे आ गया, मतलब कि एक मिनट का भी इसने होल्ड नहीं लिया. तो इसमें ऐसी कंडीशन में आप इसे शॉर्ट सेल नहीं करेंगे गैप डाउन ओपन होने के बाद, और गैप अप ओपन होने के बाद बाई नहीं करेंगे. गैप अप ओपन होने पर ये कैसी कंडीशन होगी मैं आपको दिखा देता हूँ. यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से ये नीचे आएगा, यहाँ से गैप अप ओपन होने के बाद नीचे आएगा, फिर यहाँ पे एक मिनट का होल्ड लेगा, फिर दोबारा ऊपर जाएगा, तब आप उसे बाय करेंगे. उससे पहले आप उसे बाय नहीं करेंगे और ये कंडीशन है 10 AM तक, यानी कि 10 AM तक इसका जो गैप है वो फिल हो जाना चाहिए. बाकी आप अगर हमारे साथ ज्वाइन होना चाहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा. टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन हो जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा. आपको इंट्राडे के लिए जो लेवल्स चाहिए, जिस तरीके के लेवल्स चाहिए, हम हर तरीके के लेवल्स प्रोवाइड करते हैं. और एक बात ध्यान रखिएगा, अगर बिलो 500 का लेवल चाहिए तो टारगेट उसमें छोटा हो जाता है. तो बिलो 500 के स्टॉक इतना मूवमेंट नहीं दे पाते हैं. अगर मैं अपनी तरफ से जो सिलेक्ट करके देता हूँ उसमें मूवमेंट काफ़ी अच्छी होती है. तो ध्यान रखिएगा अगर बिलो 500 चाहिए तो एक बात हमेशा दिमाग में रखिएगा, आपका टारगेट छोटा ही होगा.
तो बात कर लेते हैं हम एबीबी कल के लिए जो मैंने स्टॉक आपके लिए चुना है। सबसे पहला है एबीबी, एबीबी आप बाय करके चलेंगे 1049 पे, यानी कि 1049.10 पे, एग्जैक्ट 1049 पे आप बाय नहीं करेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा आपका 1039 का, टारगेट रहेगा 1054, 1062 और 1074 का। पहला टारगेट प्राइस ऑलवेज स्मॉल रखता हूँ मैं, जैसा आपने अभी देखा होगा जो मैंने आपको स्टॉक दिखाया था एमएनएम, उसमें लास्ट में क्या हुआ था, पहले तो मार्केट मतलब जो स्टॉक की प्राइस थी वो ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर होल्ड करने के बाद जब दोबारा नीचे आई तो उसने अपना एक ही टारगेट प्राइस अचीव किया, वो था पहला टारगेट प्राइस। क्योंकि देखिए कभी कभार स्टॉक जो है कुछ भी मूवमेंट दिखा सकता है लाइव मार्केट में, थोड़ा सा स्टार्ट होने के बाद मार्केट कहीं की तरफ भी जा सकता है, तो पहला टारगेट प्राइस स्मॉल रखने का ये फायदा है कि आप हमेशा प्रॉफिट में ही बाहर निकलते हैं, इसलिए पहला टारगेट प्राइस बहुत जरूरी है। पहला टारगेट प्राइस पर अपना स्टॉप लॉस ट्रायल कर सकते हैं, उसके बाद अपना वेट कर सकते हैं, होल्ड ले सकते हैं। शॉर्ट सेलिंग प्राइस रहेगी आपके 1138 की, 1138 की शॉर्ट सेलिंग प्राइस मतलब 1137.90, तब आप इसे शॉर्ट सेल करेंगे, 1138 पे एग्जैक्ट नहीं करेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 1148 का, टारगेट रहेगा 1134, 1126 और 1114 का, तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। अगला स्टॉक है हमारा गोदरेज प्रॉपर्टीज, जिसे आप बाय करके चलेंगे 1044 पे। टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइएगा, मॉर्निंग में मैं दो कॉल्स वहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा, बाकी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। स्टॉप लॉस कैसे हिट होगा, स्टॉप लॉस देखिए मान लीजिए बाय साइड का हमने बोला है 1044 पे और स्टॉप लॉस बोला है 1034, तो 1034 से जब नीचे जाने लगेगी वैल्यू तब अपना एसएल हिट मान के ट्रेड से बाहर आएंगे, एग्जैक्ट 1034 पे नहीं करेंगे अपना एसएल हिट। क्योंकि देखिए कभी कभार क्या होता है, एग्जैक्ट इस पॉइंट पे आकर स्टॉक बढ़ जाता है, ये चीज़ आपने कभी बार देखी होगी, बहुत बार ऐसा होता है एग्जैक्ट इस पॉइंट पे आकर स्टॉक बढ़ जाता है, तो ये जो लेवल है इसके नीचे जब जाने लगेगी वैल्यू तब अपना ऐसे लिट मानेंगे। टारगेट वही रहेगा आपका 1050, पहला टारगेट प्राइस स्मॉल 1060, 1070 का। शॉर्ट सेलिंग प्राइस रहेगी आपकी 1032 की, एज यूजुअल लेवल ब्रेक होगा इसमें भी, स्टॉप लॉस रहेगा आपका 1042। अब इस साइड का स्टॉप लॉस कैसे हिट होगा, 1042.10 यानी कि 1042 से ऊपर जाने लगेगी वैल्यू तब अपने ऐसे लिट मान के ट्रेड से बाहर आएंगे। और एक बार आप ट्रेड में घुस चुके हैं तो आप क्या करेंगे, या तो एसएल हिट होने पर बाहर आएंगे या तो टारगेट अचीव होने पर बाहर आएंगे, बीच में कभी बाहर नहीं आएंगे, चाहे होल्ड आपको काफ़ी लंबा लेना पड़े। और पहले टारगेट प्राइस पे बाहर आने की सोचिएगा, क्योंकि मार्केट देखिए एक दो दिन से तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन ये अगर इसी ट्रेंड में चलता रहा तो काफ़ी अच्छा रहेगा, बट जो पहले से मार्केट चलता आया इस महीने का, तो उसके हिसाब से तो पहले टारगेट प्राइस पे या तो स्टॉप लॉस प्लेस कर दीजिए, वरना ट्रेड पहले टारगेट प्राइस पे बाहर आ जाइए। तो शॉर्ट सेलिंग प्राइस का टारगेट रहेगा आपका 1028, 1020 और 1010 का। अगला जो मैंने आपको बताया था व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, डिस्प्ले पे भी दिख रहा होगा, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप हमारे साथ ज्वाइन होना चाहते हैं। हर तरीके के लेवल्स प्रोवाइड करता हूं मैं, बिलो 500, अबव देन 500 और इन दी रेंज ऑफ 500, सब चीज़ मैं प्रोवाइड करता हूं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर जरूर कीजिएगा।